एक और जहां लगातार छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए पूरे प्रदेश भर से राजधानी शिमला में स्थित राज्य पुस्तकालय में पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य पुस्तकालय में सीट ना मिलने के चलते प्रतिदिन लड़ाइयां हो रही है। इस लड़ाई के चलते सुबह ही तनाव का माहौल बन जाता है। राज्य पुस्तकालय में बैठने के लिए प्राप्त सुविधाओं की कमी है, वहीं पहले आने पर भी छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राज्य पुस्तकालय में छात्रों को हो रही दिक्कतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत की जनवादी नौजवान सभा का कहना है कि शिमला में राज्य पुस्तकालय में युवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इन युवाओं की समस्याओं का समाधान करे। आज आप लोगों से रूबरू होने का मुख्य मकसद क्या है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर राज्य पुस्तकालय हैं और इस राज्य पुस्तकालय के अंदर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है युवाओं को करना पड़ रहा है। लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देखते हैं, इससे पहले भी जो है हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुस्तकालय विधानसभा के अंदर बना है उसको लेकर भी DYFI ने डिमांड उठाई और उसको जो है उसका भवन भी तैयार हुआ, लेकिन जितनी भी परेशानियां फिलहाल जो है लोगों को यहां पर हैं, वो छात्रों को है, युवाओं को हैं, वो आज भी जो है वो सामने आ रही है। अब देखेंगे जिस तरह से अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरे प्रदेश भर से राजधानी शिमला के अंदर जो है युवा पहुँचते हैं और लगातार जो है इस लाइब्रेरी के अंदर भी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहे विधानसभा की लाइब्रेरी हो, चाहे वो इवनिंग डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी हो या आपकी जो है रिज मैदान पर स्थित लाइब्रेरी हो। इन लाइब्रेरी के अंदर सबसे बड़ा कारण जो है एक तो जगह की कमी है और लगातार हम प्रशासन से भी ये मांग करते आ रहे हैं कि जो फिलहाल जो युवाओं के लिए है जगह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध किया जाए, क्योंकि प्रदेश के अंदर से पूरा प्रदेश का युवा जो है शिमला के अंदर पढ़ने के लिए पहुँचता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यहाँ है, तमाम जो संस्थान यहाँ पर एजुकेशन संस्थान यहाँ पर हैं, तो इन तमाम जो है चीज़ें हैं इसको सरकार को और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के इस राज्य पुस्तकालय के अंदर आज भी जो है यहाँ पर सुबह भी तनाव का माहौल देखने को मिला, चाहे वहाँ विधानसभा की बात करें वहाँ भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपस में जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कारण क्या है कि जो युवा हैं वो समय पर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है, तो प्रशासन से हमारी ये भी मांग है कि इससे जो भी ये दिक्कतें छात्रों को और युवाओं को आ रही है सरकार इस पर कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द जो परेशानियां फिलहाल जो है युवाओं को हैं उसको जो है हस्तक्षेप कर सॉल्व करने का प्रयास करें, अन्यथा जो है भारत की जनवादी नौजवान सभा इन युवाओं को लामबंद करते हुए एक व्यापक आंदोलन की ओर जाएगी जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन व सरकार की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।